नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और मेरे साथ में सहयोगी नवनीत। और अब लालू परिवार से एक नया सदस्य राजनीति में एंट्री मार सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ऑलरेडी राजनीति में एंट्री मार चुके हैं, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी बहन रोहिणी भी अब राजनीति में आ सकती हैं। क्या है पूरी खबर, जानेंगे हमारे सहयोगी नवनीत से। देखिए सिप्रा, बिल्कुल रोहिणी आचार्य की भी राष्ट्रीय जनता दल की सक्रिय राजनीति में एंट्री हो सकती है और इसको लेकर के जो अटकलों का बाजार है बेहद गर्म हो चुका है और इससे जुड़ी हुई कई खबरें जो है इस वक्त सोशल मीडिया में आ रही है। और खुद अगर बात करें तो चूंकि अगले वर्ष राष्ट्रीय जनता दल के लिए राज्यसभा में एक सीट खाली हो रही है, तो चूंकि अभी राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो तमाम सदस्य हैं इस तरह कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं कि वो चाह करके भी सक्रिय राजनीति में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे में जो राज्यसभा की एक सीट अगले वर्ष खाली हो रही है उसके लिए पार्टी की ओर से रोहिणी आचार्य इसकी उम्मीदवार हो सकती है और इसको लेकर के बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार की ओर से इस खबर को लेकर के डिनाई किया गया है और कहा गया है कि अभी रोहिणी आचार्य की राजनीति में आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने खुद अपने सोशल अकाउंट पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो खुद एक राजनीतिक कार्यकर्ता रही हैं, वो लगातार राजनीति पे काम कर रही हैं और जब भी वो पार्टी किसी मुसीबत पे घिरती है या कोई फोरम पे अगर वो जब पार्टी का मामला होता है तो उस वक्त वो जरूर सोशल मीडिया के ही सहारे, लेकिन मीडिया के तमाम ज्वलंत जो पार्टी के तमाम ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर अपनी राय रखती है। तो मतलब कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य भी राजनीति में आने का मन बना रही है और जिस तरह की तमाम जानकारी आ रही है और जिस तरह परिवार की ओर से आधिकारिक तौर पर इसका खंडन नहीं किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की परिवार का एक बड़ा चेहरा होगी जो आने वाले दिनों में राजनीति में सक्रिय भागीदारी दिखा सकती है और वो पार्टी का बड़ा चेहरा बन सकती है। बिल्कुल, तो बता दें कि ये खबर अभी सामने आई है। हालांकि रोहिणी आचार्य अभी पार्टी ने इसकी पुष्टि भी नहीं की है आधिकारिक तौर पर, लेकिन रोहिणी आचार्य का भी कहना है कि वो राजनीतिक पार्टी से बिलोंग भी करती हैं, परिवार से ही बिलोंग करती हैं और लगातार वो अपनी राय भी रखती हैं हर राजनीतिक मुद्दों पर। तो ऐसे में उनकी सक्रियता देखी जा रही है और हो सकता है कि आने वाले राज्यसभा के चुनाव में वो राजद की तरफ से एक उम्मीदवार हों। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़।